इस चैनल पर आप लोगों ने अभी तक BGH वोल्टेज कैसे बनता है वह देखा है, लेकिन VAN वोल्टेज कैसे बनता है यह नहीं देखा है। तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि VGH और VAN में क्या अंतर होता है, VAN क्या है, VGH क्या है। पैनल में सिर्फ VAN वोल्टेज मिले जिसमें कोई भी VGH न लिखा मिले, या हो सकता है कहीं VGH लिखा मिले VAN न मिले, कहीं कहीं हो सकता है VGH भी लिखा होगा और VAN भी लिखा होगा। ट्रेसिंग मेथड कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को अब ट्रेसिंग मेथड से दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। जहाँ VGH होगा और जहाँ VAN होगा, अगर दोनों एक साथ होगा निश्चित रूप से जो ज़्यादा वोल्टेज होगा VAN होगा वह गेट का बजाएगा, और जो दूसरा छोटा वोल्टेज VGH होगा सोर्स PCB टिकोन बोर्ड पर काम करेगा। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यह सब देखना होगा, तब जाकर आप लोगों को रिपेयर करना होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये जो VAN वोल्टेज लिखा है या इसमें VGH है कि नहीं है। ये वीडियो देख लीजिएगा, VGH और VAN बनेगा तो VGH सोर्स PCB रहेगा, टिकोन बोर्ड होगा तो टिकोन बोर्ड पर काम करेगा, सोर्स PCB होगा तो सोर्स PCB पर काम करेगा। इसलिए कभी भी VGH वोल्टेज ट्रेस करना है तो आपको उसमें देखना होगा कहीं VAN तो नहीं है। अगर VAN है और VGH है तो मान के चलिए गेट का पर VGH नहीं जाएगा VAN जाएगा। इस पैनल के सोर्स PCB में VAN लिखा है तो ये VAN वोल्टेज चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अगर VAN वोल्टेज कैसे बनता है, अगर आप लोग यह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों के कमेंट पर ही यह वीडियो बनेगा। अगर आप लोग VAN वोल्टेज पर वीडियो चाहते हैं बिना IC के डाटा के हम लोग कैसे ट्रेस करें, ट्रेसिंग मेथड कैसे कर सकते हैं, या कोई भी TV अगर आता है अगर VAN वोल्टेज नहीं बनता है तो हम लोग कैसे ट्रेस कर सकते हैं बिना डाटा सेट का। देखिए यहाँ पर लिखा है VAN 28 वोल्ट यहाँ पर लिखा है। आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट के हिसाब से ये ट्रेसिंग मेथड बजर रेंज में नॉर्मल मल्टीमीटर से बताया जाएगा, भी कंपनी का होगा उसे आप लोग आराम से ट्रेस कर पाएंगे।